हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में कि यह यूनियन क्या है, ये कैसे यूरोपियन यूनियन से डिफरेंट है और रशिया क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि इंडिया भी इस यूनियन का मेंबर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक संगठन है रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में। ये यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सपोर्ट करता है अमंग से मेंबर कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन से ये इसलिए अलग है क्योंकि यूरोपियन यूनियन वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज का एक यूनियन है और रशिया उसका हिस्सा नहीं है। इसलिए रशिया ने अपने पुराने सोवियत संघ के देशों के साथ मिलकर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को खड़ा किया था, जो एक अल्टरनेटिव ट्रेडिंग ब्लॉक की तरह बन के उभरा है। इस यूनियन की स्थापना बेलारूस, कजाकिस्तान और रशिया ने 29 मई 2014 को की थी, लेकिन इसने अपना कार्यकाल 1 जनवरी 2015 से ही संभाला है। यूरोपियन यूनियन की तरह यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू मूवमेंट ऑफ लेबर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज, ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। बॉर्डर्स सिर्फ कहने के लिए रह जाते हैं। आज की तारीख में इस यूनियन का ट्रेड ग्लोबल करेंसी डॉलर में ही होता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी कहा गया है कि हो सकता है ये मेंबर कंट्रीज डॉलर के बजाय कोई दूसरी करेंसी को यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, और वो मोस्ट लाइकली रशियन रूबल हो सकता है। आज की तारीख में इंडिया और रशिया का बायलैटरल ट्रेड लगभग 10 अरब डॉलर है सालाना। भारत और रूस ये कोशिश कर रहे हैं कि 2025 तक किसी भी तरह दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड 30 बिलियन डॉलर तक पहुँच सके। अगर इंडिया इस यूनियन का मेंबर बनता है तो चांसेस हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा उससे ये टारगेट अचीव करना पॉसिबल हो। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद रशिया इसलिए इंसिस्ट कर रहा है कि इंडिया इस यूनियन का हिस्सा बने। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर इंडिया इसका हिस्सा बनता है तो 80% ऑफ द ट्रेड जो इंडिया इस यूनियन के मेंबर कंट्री साथ करेगा वो रशिया ही उसका बेनिफिशरी होगा। और इससे रशिया USSR के खत्म होने के बाद दोबारा से इंडिया का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर बन सकेगा। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली इंडिया ने RCEP को भी साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें चाइना वॉज अ मेंबर एंड हमें डर था कि अगर हम RCEP साइन करते हैं तो चाइना को भी फुल एक्सेस मिल जाएगा इंडियन मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करने का। और जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना का इंडस्ट्रियल बेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर उसे इंडियन मार्केट्स का फुल एक्सेस मिलता है तो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को तबाह कर सकता है। इसलिए इंडिया ने RCEP को साइन नहीं किया था। लेकिन अगर हम बात करें रशिया के साथ तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है। इंडिया और रशिया दोनों के पास काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडिया से साइन करता है इंडिया को भी रशियन मार्केट्स का एक्सेस मिल जाएगा, और इससे हम अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ग्रो कर पाएंगे। इसके साथ ही इंडिया और रशिया का बायलैटरल ट्रेड जो शुरुआत से ही एक अपवर्ड ट्रेंड में रहा है वो तेज़ी से ग्रो करेगा, और हमारा 30 बिलियन डॉलर्स का जो टारगेट है 2025 तक इसे अचीव करना भी ईजी हो जाएगा। इस एग्रीमेंट का साइन करने से दोनों ही देशों को नुकसान होने के चांसेस कम हैं। अगर इंडिया ये FTA साइन करता है रशिया के साथ तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि जेनेरिक मेडिसिन के एक्सपोर्टर्स या स्पाइसेस के एक्सपोर्टर, टी एक्सपोर्टर्स, एग्रीकल्चरल गुड्स या वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज जहाँ पर रशिया कॉम्पिटिटिव नहीं है उससे इंडिया को एडवांटेज मिलेगा रशियन मार्केट्स में। मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि अब इंडिया को अपनी इकोनॉमी को ओपन करना चाहिए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने चाहिए उन देशों के साथ जहां रिस्क कम है खोने का, क्योंकि हम लोग लंबे समय तक अपनी इकोनॉमी को क्लोज नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल हमें इकोनॉमी को और ज़्यादा ओपन अप करके ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लॉइट करना ही होगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने ओपिनियंस, आपके सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। Till then, thank you.